हम आज एक नया टूल स्टडी करेंगे। उस टूल का मतलब क्या, हमें थोड़ी सी आइडिया लेना है, उसका बैकग्राउंड बनाना है, फिर हमें आइडिया ऐसे ऐसे समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी तक हम जितना भी कोड कर रहे हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया num1, उसमें वैल्यू 10 सेव की, एक वेरिएबल बनाया num2, उसमें वैल्यू 20 सेव की, num3 बनाया, उसमें 30 वैल्यू सेव कर दी। इसी तरह हम कंसोल लगा रहे हैं, num1 को प्रिंट करा लिया, num2 को प्रिंट करा लिया, num3 को हमने प्रिंट करा दिया। सही है। चलिए, कोड जितना भी हमने लिखा है, जितने भी नंबर ऑफ लाइंस डिफाइन किए हैं, ये सारा एग्जीक्यूट कैसे होता है, इसका एक फ्लो है। फ्लो ये है कि लाइन नंबर 1 पहले चलती है, फिर लाइन नंबर 2 चलती है, फिर लाइन नंबर 3 चलती है, 4 चलती है, 5 चलती है, 6 ऐसे, मतलब टॉप टू बॉटम लाइंस एग्जीक्यूट होती हैं इस फ्लो के अकॉर्डिंग। सही है। अच्छा, इस फ्लो के अकॉर्डिंगली कैसे लाइन चलती हैं, नंबर 1 से नंबर 2, यानी कि टॉप टू बॉटम इसका फ्लो रहता है। इस प्रॉब्लम का जो हमारी लाइन नंबर 1 से नम 3 ऐसे, यानी इस फ्लो में एग्जीक्यूट हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं इसका ग्लोबल स्कोप, यानी कि ग्लोबल ब्लॉक। मतलब क्या है कि हमारे पास ये जितना भी कोड है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है, और वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस कैसे बनती है, कर्ली ब्रेसिस से। तो हमने ये कर्ली ब्रेसिस डिफाइन कर दी। इस कर्ली ब्रेसिस का मतलब क्या है कि ये एक ब्लॉक है और ये ग्लोबल ब्लॉक है, मतलब एक ऐसा ब्लॉक जिसमें हमारा सारा कोड पड़ा होता है। अच्छा, ये हम ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाई डिफॉल्ट समझो ब्रैकेट्स लगी होती हैं। इसका मतलब यह है कि ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक में हमारा कोड चल रहा है, एक सीक्वेंस में कोड चल रहा है। लाइन नंबर 1 चलेगी जो कि कर्ली ब्रेसिस है, उससे ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसके बाद 8 का मतलब है कि ये ब्लॉक ख़त्म हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि हमने अपने कोड को एक ब्लॉक में, एक डिब्बे में शिफ्ट किया हुआ है, एक बॉक्स में रखा हुआ है। उसका मतलब यह है कि ये इसकी लेयर्स लाइन नंबर 1 चलती है, 2 एंड सो ऑन आगे फॉरवर्ड होती है। अच्छा, हम एक बड़े ब्लॉक के अंदर हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बना सकते हैं। मतलब समझो कि अभी ये सारी लाइनें एक ग्लोबल ब्लॉक, जो बड़े वाला डिब्बा है उसके अंदर है, हम कुछ ब्लॉक छोटे छोटे बना सकते हैं। जैसे हम इसका एक ब्लॉक बना लें, वो कैसे ब्लॉक बनेगा कि अगर इसके इर्द गिर्द हम कर्ली ब्रेसिस लगा दें, ये ब्रैकेट लगा दें ना, कर्ली ब्रैकेट्स, इससे इसका एक ब्लॉक बन जाएगा। अच्छा, इसका ब्लॉक का क्या मतलब है कि एक बड़े डिब्बे में एक और छोटा डिब्बा है जिसके अंदर एक वेरिएबल बन रहा है। सही है। तो लेट्स सपोज अगर हम PL से इसको ड्रा करके देखें, तो समझो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऐसे एक बड़ा ब्लॉक है, उसके अंदर हमने कुछ लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया, जैसे एक लाइन डिफाइन कर दी, फिर एक लाइन जो है वो डिफाइन कर दी, ऐसे फिर एक लाइन डिफाइन कर दी। तो ये सारे इस पर्टिकुलर ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम एक लैदा से ब्लॉक में एक और बॉक्स बना सकते हैं और फिर उसके अंदर लाइन लगा सकते हैं, मतलब वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। बात समझ आ रही है। एक ब्लॉक में हम जितनी चाहे लाइंस लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन कि कितना हमें उसमें ऐड ऑन करना है, लेकिन आइडिया सिंपल है कि हम इस तरह से कुछ लाइंस हम बड़े ग्लोबल स्कोप में रख सकते हैं और कुछ को लोकल स्कोप, मतलब एक छोटा डिब्बा उसके अंदर बना सकते हैं और उसमें वो लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं।
अच्छा, अब जो कि किसी ब्लॉक में नहीं है, यानी कि ये वाला लाइन नंबर वन वाला कोड और ये वाला लाइन, ये बाय डिफॉल्ट ग्लोबल डिबे में जाता है, लेकिन हम किसी के भी लाइंस ऑफ कोड के ऊपर कोई भी स्कोप बना सकते हैं, मतलब कोई भी उसको नेस्टेड डिब्बा उसके ऊपर बना सकते हैं, उसका एक अपना ब्लॉक बना सकते हैं। अच्छा, अब जिस तरह इसमें हमने एक लाइन रखी है सिर्फ, ये वाली एक ब्लॉक में सिर्फ एक ही लाइन है इस ब्लॉक में, अगर हम इसे डिफाइन करें, अब ये वाला ग्लोबल ब्लॉक का हिस्सा है, ये ग्लोबल स्कोप का हिस्सा है, यानी कि लोकल ब्लॉक का हिस्सा है, और ये तीन लाइनें हम एक ही ब्लॉक में डाल देते हैं। तो यहाँ से ये थ्री लाइन जैसे चलेगी, तो एक लाइन एक के अंदर है, तीन लाइनें एक के अंदर हमने स्पेसिफाई कर दी। तो अब ये दो ब्लॉक किस पर्टिकुलर ब्लॉक का हिस्सा है, ग्लोबल ब्लॉक, जो बड़ा ब्लॉक है जो बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा, ये दो ब्लॉक और ये दो लाइनें, ये सब आपस में सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स हैं ना, क्योंकि ये सब एक लेवल पे हैं। अच्छा, एक ब्लॉक के अंदर भी एक और ब्लॉक डिफाइन किया जा सकता है, जिस तरह ये भी हमने इसके ऊपर भी एक और ब्लॉक लगा दिया, तो समझो ये हमारे ग्लोबल ब्लॉक का हिस्सा है, फिर उसके अंदर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये लाइन हमने एक और ब्लॉक के अंदर लगा दिए, सही। तो इस तरह हम जितना भी नेस्टेड चाहें जा सकते हैं। तो होगा ये कि एक डिब्बे के अंदर डिब्बा बन रहा है, उस डिब्बे के अंदर डिब्बा, इस तरह से हम बॉक्सेस बना सकते हैं। अच्छा, हमें ऐसा करना क्यों है, उसके ऊपर तो हम आते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब अभी हमने ऐसे बॉक्सेस लगाए हैं, यानी कि कर्ली ब्रेसेस लगाई हैं, और अगर मैं कोड को रन करता हूँ एज यूजुअल, तो मेरे सारे आंसर आएंगे, मतलब सारा कोड एज सीक्वेंस चल रहा है, ये जो ब्लॉक्स हमने बनाए हैं अभी इसका कोई इफेक्ट हमें नज़र नहीं आया, लेकिन एक सीक्वेंस हमें समझ ली कि बाय डिफॉल्ट सब ग्लोबल ब्लॉक या ग्लोबल स्कोप का हिस्सा होते हैं, और उसके अंदर हम लोकल ब्लॉक या लोकल स्कोप बना सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस से हम उनको डिब्बों में शिफ्ट कर सकते हैं, और जितना भी चाहें नेक्स्ट 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 आगे डिवाइड किया जा सकता है, सही है। अच्छा, ऐसा हमने क्यों करना है, उसकी कुछ रीजंस हैं, मतलब ब्लॉक्स क्यों बनाने हैं, वो इसलिए बनाने हैं कि अगर मैं कोई ब्लॉक नहीं बनाता और मैं दोबारा एक सीक्वेंस में कोड को लिख देता हूँ ऐसे, अब मैं इसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट सारी लाइंस पे एक्शन परफॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि ये सब एक ही डिब्बे का हिस्सा है, तो जब भी एक्शन कोई भी परफॉर्म होगा वो सब पे लग जाएगा, जिस तरह CSS का हम वो ब्लॉक नहीं डिफाइन करते या स्कोप डिफाइन ना करें, तो उसको कैसे पता लगेगा कि किस वाले एलिमेंट के ऊपर मुझे डिज़ाइन अप्लाई करना है, वो सब पे कर देगा। इसी तरह अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई काम करना है, कोई ऐसा टूल परफॉर्म करना है जो इस कोड को चेंज करे या इस पर कोई और इफेक्ट लेके आए, और अगर हमने कोई ब्लॉक नहीं बनाया हुआ है, तो वो सारी की सारी लाइन्स को इफेक्ट करेगा। अगर हम इस पर ब्लॉक बना देंगे, मैं कहता हूँ कि लाइन नंबर थ्री पे ये ब्लॉक बन जाए, उसका फायदा ये है कि मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जो भी एक्शन परफॉर्म करूंगा वो सिर्फ इस लाइन पे होगा जो उस ब्लॉक का हिस्सा है, क्योंकि मैं इस ब्लॉक के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करूंगा। तो अगर हम कोई ब्लॉक नहीं बनाएंगे तो सापा हो जाएगा, अगर हम ब्लॉक बनाएंगे तो उस स्पेसिफिक ब्लॉक के ऊपर ही वो काम परफॉर्म होगा। इतना समझ आ रहा है? अच्छा, अब हम जितने भी एक्शंस परफॉर्म करेंगे ना, जितने भी कंट्रोल लगाएंगे, वो हमेशा किसी ना किसी ब्लॉक पे ही लगाएंगे। अगर हम ब्लॉक पे नहीं लगाएंगे तो टेक्निकली वो सब पे अप्लाई होगा, ये इशू है। अगर हमने उसी ब्लॉक पे ही लगाना है सिर्फ, तो वो लगाने के लिए हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और ब्लॉक बनता कैसे है, कर्ली ब्रेसेस लगानी है सिंपली। जब भी ब्लॉक बनाना है, जितनी लाइंस पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, उतनी लाइन के इर्द गिर्द कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। सिंपल है ना, मुश्किल नहीं है, कि जिस भी लाइन पे आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, उससे पहले उन लाइंस के इर्द गिर्द कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और फिर इसके साथ हम सारे एक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे
अब अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, इस कर्ली ब्रेसेस जहां से शुरू होगी ना, हमेशा जितने भी हमारे कंट्रोल हैं, कर्ली ब्रेसेस जहां पे शुरू हो रही हैं वहां पे साथ में स्मॉल ब्रैकेट्स भी आएंगे, पैरेंथेसिस जिसे बोलते हैं। इसके अंदर हम अपना कोई ना कोई कंट्रोल डिफाइन करेंगे। इसमें हम अपना कोई ना कोई कंट्रोल क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जैसे ट्रू फॉल्स कुछ भी मैंने कर दिया, और इस पर्टिकुलर स्मॉल ब्रैकेट के सामने हमारा कंट्रोल का नाम आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए हम एक कंट्रोल का नाम लगाएंगे, डेट इज कॉल्ड इफ। क्या समझ में आया? हम इस लाइन पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अभी क्या एक्शन है, वो बहुत सारे एक्शन है, अभी हम वो नहीं समझ रहे, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, लेकिन हम इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसको ग्लोबल डिब्बे का हिस्सा नहीं रहने देना चाह रहे, तो इसको अपना हिस्सा बनाना है, अपने ब्लॉक का हिस्सा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ब्लॉक बना देंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे इर्द गिर्द, लग गई। अब जहां से हमारी कर्ली ब्रेसेस शुरू हो रही है वहां पर हमने कंट्रोल लगाना है, वो कोई भी कंट्रोल हो सकता है, सही है। हम वहां पर क्या लगा देंगे, स्टार्टिंग के अंदर पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट, अच्छा उसके अंदर हम कोई भी काम करेंगे, सही है। अभी के लिए मैंने जस्ट फाइल लिख दिया, अभी और ब्लॉक मैंने लगा दिया रेड स्टार। अब जितना भी आप सिंटैक्स देखोगे ना, वो सेम इसी सिंटैक्स पे होगा, कि जितनी लाइन पे मैंने वो एक्शन परफॉर्म करना है उसका ब्लॉक बनेगा, और जहां से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है उसके सामने स्मॉल पैरेंथेसिस आएगी, और उस पैरेंथेसिस जहां से शुरू हो रही है उसके आगे कंट्रोल का नाम आएगा। अब वो कंट्रोल का नाम क्या करता है वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे सब, तो अभी के लिए ये सिंटैक्स समझने की जरूरत है हमें, सही। तो अगर मैं जो इसके ऊपर कोई ब्लॉक लगाना है, तो इसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस, ये दोनों लाइन एक ही ब्लॉक का हिस्सा भी हो सकती है। अब इस ब्लॉक के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो पैरेंथेसिस, अब इसके साथ क्या कर सकते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे ना, अभी के लिए बस ये है कि मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें इस तरह से सिंटैक्स ऐसे काम करेगा, सही है। अच्छा अब कंट्रोल हम समझ लेते हैं। मैंने सारे ब्लॉक खत्म कर दिए, कोड दोबारा ग्लोबल स्कोप में आ गया, मतलब ग्लोबल ब्लॉक में आ गया। इसका मतलब ये कि सारे का सारा कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। ये तीनों कंसोल आएंगे, नम वन, पहले 20 प्रिंट, 10 प्रिंट होगा, फिर 20 प्रिंट होगा, और फिर 30 प्रिंट होगा। अच्छा अब मैं ये चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट ये सारी लाइंस चल रही हैं, इस पर एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए जो ये लाइंस एग्जीक्यूट ना हो। मतलब अभी तो ये सारी की सारी लाइन चल रही है ना, मतलब ये वाले तीनों कंसोल होंगे क्योंकि उसमें हमने नंबर्स डाले हैं। मैं ये चाहता हूँ ये तीनों कंसोल आउटपुट में आना बंद कर दें, मतलब ये चले ना। नॉर्मली तो ऐसे था ना, अगर हम इसको और सिंपल कर लें, हम एक कंसोल लगाते हैं लाइन वन, और फिर ऐसे हम डालते हैं उसमें लाइंस, ये लाइन टू है, ये लाइन थ्री है, ये लाइन फोर है, फाइव है, और ये लाइन सिक्स है। अच्छा बाय डिफॉल्ट जब हमने इस पर कोई कंट्रोल नहीं लगाया होगा तो क्या होगा, ये सारी की सारी लाइंस शो हो जाएंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार लाइन नंबर थ्री वाला कंसोल प्रिंट नहीं होना चाहिए, इस पर कोई ऐसा कंट्रोल होना चाहिए
जो इसकी एग्जीक्यूशन को रोक दे, इसको चलाए ना। अच्छा, उस वो कंट्रोल क्या है कि हमें कोई कंट्रोल लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसिस लगानी है, कर्ली ब्रेसिस के साथ पैरेंथेसिस लगानी है, पैरेंथेसिस शुरू होती है वहां पे कंट्रोल का नाम आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब ये कंट्रोल का जो नाम इफ हमने डिफाइन किया है ऐसे, इसको इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, ये कंट्रोल क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग लाइन नंबर 3, ये कंसोल क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है इस कंट्रोल का, इस ब्लॉक में जो कुछ भी होगा अगर इफ की छोटी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर फॉल्स आंसर आता है तो वो लाइन ऑफ कोड नहीं चलेगा, अगर ट्रू आंसर आता है तो चलेगा। तो अभी आंसर क्या आ रहा है, हमने खुद ही फॉल्स लिखी है, तो इसका मतलब क्या है, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर हम अभी चलाते हैं कोड को, तो सारी लाइंस प्रिंट होंगी लेकिन लाइन नंबर 3 प्रिंटर नहीं होगा। अभी तो मैंने वैसे ही फॉल्स कर दिया ना, लेकिन इफ की स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमेशा आंसर बुलियन आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स आएगा तो वो कैलकुलेटर नहीं करने देगा, अगर वो फॉल्स नहीं आता तो फिर चलने देगा। तो लेट्स सपोज आंसर ट्रू आता है, इस सब का आंसर क्या आता है, ट्रू, तो अब क्या होगा, अब चलने देगा एज यूजुअल जैसे पहले हम चला रहे थे 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इसके अंदर आंसर ट्रू आता है फॉल्स, अब इसके अंदर आंसर आएगा कैसे, हम वो रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब जो हम लास्ट टाइम एक्सप्रेशन ऑपरेटर की पढ़ रहे थे वो हम लगाएंगे। कैसे, हम कहते हैं कि जस्ट लाइक रिजल्ट, या उसका आंसर कर लेते हैं 10 + 20 - 10 > 12। आंसर क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू आएगा तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अगर ट्रू नहीं आएगा तो ब्लॉक नहीं चलेगा। तो इस टाइम चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा, क्योंकि ब्लॉक क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो इस टाइम जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हम इसका आंसर फॉल्स कर दें, लेस देन 12 कर दें, तो फिर अभी नहीं चलना चाहिए उसको, तो वो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। 1 2 4 5 6 3 बीच में से मिस हो गया। एक्चुअली इफ के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उसको ट्रू या फॉल्स चाहिए, अगर आंसर ट्रू आएगा तो वो इफ की प्रैक्टिसेस चलेंगी, अगर आंसर ट्रू नहीं आएगा तो इफ की ब्रैकेट नहीं चलेंगी। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है, मैंने अभी ये लिखी है, हमने लास्ट टाइम बहुत सारी एक्सप्रेशन से प्रैक्टिस की है, तो वो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है, वो सॉल्व होगी। अच्छा, दो तरीके हैं, या तो हम इस तरह वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेशन लिख के उसका आंसर ट्रू या फॉल्स लेके वो हम इफ के अंदर रख दें, ये वाला जो तरीका अभी मैंने लगाया, एक तो ये ऑप्शन है, सही है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो सीधी इफ के ब्रैकेट के अंदर ही डिफाइन कर दें, मतलब एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू फॉल्स दे दें या एक्सप्रेशन दे दें, वो भी सॉल्व होगी, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू आएगा तो क्या होगा, वो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं। अच्छा, अब ये इसमें कितनी लाइंस आ सकती हैं, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, कितनी मर्जी आप, पहले एक रखी थी, अभी हम सारी उठा के इसमें रख देते हैं, क्या होगा, ये वाला ब्लॉक अब चलेगा अगर ये वाली आंसर ट्रू होता है, और आंसर ट्रू होने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वही ऑपरेटर जो हमने पढ़े थे, ये कैलकुलेट होंगे, इसको कैलकुलेट करें आंसर क्या आएगा,
30 माइनस 10 20, 20 लेस देन 12 क्या है? फॉल्स है। तो इधर फॉल्स आएगा तो ये वाली सारी लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। सिर्फ दो लाइनें आएंगी। और अगर हम इसको ऐसे कर दें डबल इक्वल टू 20, अब आंसर क्या आ रहा है? ये सारी एक्सप्रेशन सॉल्व होगी तो क्या आंसर आएगा? और इफ के अंदर अगर ट्रू प्रोड्यूस होता है तो इफ के आगे वाले ब्लॉक को वो क्या करता है? चला देता है। और अगर ट्रू नहीं प्रोड्यूस होता फिर नहीं चलाता। तो अब चूंकि ट्रू प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सारी की सारी लाइन्स को चलाता है। समझ आ रही है ना कि जितनी भी लाइंस हमारी एग्जीक्यूट हो रही हैं, अगर वो 10 प्लस 20 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 हो रहा है, जो कि हमें नजर आ रहा हो रहा है, अगर ये ट्रू है तो ये लाइंस चलेंगी, यानी कि ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो इफ का ब्लॉक, इफ का जो कंट्रोल है उसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा कंट्रोल है उसकी स्मॉल ब्रैकेट में अगर ट्रू प्रोड्यूस होता है तो वो अपने आगे लगे हुए ब्लॉक को चला देता है, अगर ट्रू प्रोड्यूस नहीं होता तो उसको स्किप कर देता है। समझ आई या नहीं आई? कि अगर तो सब चीजों को सम करें, हाँ ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक चलाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं चलाएगा। सही है। अच्छा अब लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं थोड़ा सा और अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी वी आर नंबर वन के अंदर 10 सेव कर देते हैं, नंबर टू में 20 सेव कर देते हैं। और हम ये कहते हैं कि एक काम करो, नंबर वन एक रिजल्ट बनाओ जिसमें नंबर वन को मल्टीप्लाई करो नंबर टू के साथ और कंसोल कर दो, तो कंसोल कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये दो लाइनें मैं कहता हूं तब चलनी चाहिए। अब इसके ऊपर मतलब कंट्रोल आ रहा है तो सबसे पहले इस पे क्या लगा दें, इन दोनों पे कर्ली ब्रेसेस लगा दें। आएगी सॉरी, तो हमने इस पे कैलकुलेट करके रिजल्ट बना लिया, हमने इसको कहा यहां। अब चूंकि मैं इन दोनों को कंट्रोल करना चाह रहा था तो मैंने इनके गिर्द क्या लगा दिया, ब्लॉक बना दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई तब करना है अगर इन दोनों का सम 30 है, तो हम क्या करेंगे फिर, हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, हम कहेंगे नम वन प्लस नम टू अगर 30 है, इफ अगर ये चीज ट्रू है, अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके आंसर जो भी आएगा वो कंसोल करा देंगे, 200 आ गया। इन केस अगर मैं इसमें से एक वैल्यू चेंज कर देता हूं, अब 31 हो गया, रॉन्ग हो गया, अब आंसर क्या आएगा? अब कुछ भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों लाइनें तो चलेंगी नहीं, फॉल्स हो गई। तो इफ के आगे अगर फॉल्स आ गया तो वो चलेगा नहीं, और जब चलेगा नहीं तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा। कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ऑल द टाइम करेगा, और अगर इफ नहीं चल रही तो वेरिएबल नहीं बनेगा। देखो इस आप समझने की कोशिश करें, ये ब्लॉक ने कब चलना था, अगर इसका आंसर ट्रू आता है, अगर तो ट्रू आता है तो वीएआर क्या करता है, रैम में एक सेल क्रिएट करता है और उसको हम नीचे ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर रहे हैं। और अगर ये फॉल्स आ जाता है तो क्या ये वेरिएबल बनेगा? उसी के ऊपर ही मैं आ रहा हूं। अब आप लोग बताएंगे मैं कर सकता हूं या नहीं।
अगर ये ट्रू हो रहा है आंसर, तो मल्टीप्लाई होके ये आंसर आएगा रिजल्ट, और ये VAR का कीवर्ड क्या करेगा, रैम के अंदर जाके एक सेल क्रिएट करेगा। और अगर इसका आंसर फॉल्स आ जाता है, फिर ये ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड है वो नहीं चलेगा। और इसमें कोड क्या है, ये वेरिएबल क्रिएट, और मतलब ये मेमोरी में जाके सेल क्रिएट नहीं होगा। और जब मेमोरी में सेल क्रिएट नहीं हुआ तो क्या वो सेल हमें मिलेगा बाद में, एक चीज बनी नहीं है मेमोरी में, तो मिलेगी कैसे। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, एरर दे देगा अनडिफाइन, मतलब आपने ये वेरिएबल कहीं पे डिफाइन नहीं किया। उसका एक लेदर सिनेरियो है, अभी हम उस पर नहीं आ रहे, अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि ये हो रहा है। तो अगर लेट्स सपोज ये ट्रू हो रहा है 20, अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ, अब ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, और आंसर भी क्या आ गया, मेक सेंस बात है ना या नहीं। अभी 200 आ रहा है, हालांकि वो ब्लॉक के बाहर ही गला है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इस दफा वो ब्लॉक चला है, और जब वो चला है तो उसने क्या किया है, रैम में वेरिएबल क्रिएट किए। देखिए कॉल तो जहां मर्जी कर दें, आप इस कीवर्ड को याद रखो, हर इफ के कीवर्ड का एक मतलब है, इफ के कीवर्ड का एक मतलब यह है कि उसके आगे पैरेंथेसिस में अगर ट्रू आएगा तो उसने चलाना है, फॉल्स आएगा तो, ये स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा इफ का कोई मतलब नहीं है। VAR के कीवर्ड का एक मतलब है, वो आप लोगों ने याद करना है, वो मतलब क्या है, जब भी VAR आएगा रैम में एक सेल क्रिएट होगा, तो रैम एक सेल, एक रैम फिजिकल चीज है, उसमें अगर एक डिब्बा बन गया है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूं थ्रू आउट द कोड कहीं भी। तो देखो ना, इस ब्लॉक के अंदर चाहे बने, लेकिन VAR ने रैम में एक सेल क्या कर दिया, अब उसको मैं उस बॉक्स के अंदर एक्सेस करूं या बाहर करूं इससे मैटर नहीं करता। अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो वो फिर कैसे रिजल्ट, समझ आ रही है। सिर्फ जितनी इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि वो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, सिर्फ इस पे ज़हन दौड़ाएं। अगर इसका आंसर आ जाता है फॉल्स तो क्या होगा, ये वेरिएबल मुझे मिलेगा कहीं पे, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रैम में क्रिएट ही नहीं हुआ, तो मिलेगा कैसे, अभी अंदर मिलेगा या बाहर मिलेगा, उस ब्लॉक के अंदर या बाहर इसकी बात नहीं हो रही, अभी तो एक चीज है कि रैम में क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर क्रिएट हो रहा है तो मिलेगा, अगर नहीं हो रहा तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी साइंस है, मुश्किल नहीं है, सही है। हाँ जी, करेगा जिस पे मर्जी कर ले, जस्ट लाइक कैसे करना, हम नेम चेक कर ले किसी का, हम कहते हैं कि यूजर नेम, इसमें मैं अपना नेम रख देता हूं, मैं कहता हूं इफ यूजर नेम इक्वल टू, तो आंसर है ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो क्या होगा, चलेगा, चल के क्या होगा, रैम में एक सेल बन जाएगा 200, उसमें वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर हम बाद में एक्सेस कर लेंगे, तो आंसर आना चाहिए या नहीं, आना चाहिए, क्योंकि वो 21 कर दिया ना हमने, सही है, क्लियर है बात। तो इफ के ब्लॉक का मतलब क्या बना, फिर इफ के ब्लॉक में आप सॉल्व शुदा एक्सप्रेशन दे दें ट्रू फॉल्स वाली, या अनसॉल्व एक्सप्रेशन दे दें, दोनों केसेस में क्या होगा, ट्रू होगा तो ब्लॉक चलेगा, ट्रू नहीं होगा तो ब्लॉक नहीं चलेगा, एज सिंपल ये इसका सिनेरियो।
ब्लॉक की तो कोई टाइप नहीं है। हाँ अभी वो इसको हम लोकल ब्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक जो या नेस्टेड ब्लॉक कह लें, एक ब्लॉक के अंदर आने वाले ब्लॉक को हम नेस्टेड ब्लॉक बोलते हैं, और ये एक लोकल ब्लॉक है क्योंकि ये ग्लोबल ब्लॉक का हिस्सा है। तो अब हम ऐसा भी कह सकते हैं, सपोज अगर हम ये लाइनें खत्म करते हैं समझने के लिए, तो ये हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल ब्लॉक है जो कि बाय डिफॉल्ट है, हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं। ये हमने कहा पेरेंट भी कह रहे हैं, ये इसका चाइल्ड ब्लॉक है, या इसको लोकल ब्लॉक बोले या चाइल्ड ब्लॉक बोलते हैं। इसके अंदर एक और ब्लॉक बनाएंगे ये वाला, अब ये इस ब्लॉक का लोकल ब्लॉक है, या इसको कहेंगे ये नेस्टेड ब्लॉक है। ये क्योंकि एक पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड है, उसका भी ये चाइल्ड है, तो ये एक्चुअली नेस्टेड है। तो एक ब्लॉक के अंदर आने वाले ब्लॉक को हम नेस्टेड ब्लॉक बोलते हैं। तो ये हमारा कह दें पेरेंट ब्लॉक, या हम इसको कह लें ग्लोबल ब्लॉक, ये हमारा लोकल ब्लॉक है, इसको हम क्या बोलेंगे नेस्टेड ब्लॉक। सही, नेस्टेड लोकल ब्लॉक, या अभी के लिए समझने के लिए हम चाइल्ड ब्लॉक भी बोल सकते हैं। वो भी नेस्टेड ही होगा, उसका नेस्टेड हो जाएगा, कह सकते हैं समवेयर। लेकिन एक ब्लॉक चूंकि ये बाय डिफॉल्ट पेरेंट ब्लॉक होता नहीं है, हमें नजर नहीं आता ना, इसलिए हम उसको ग्लोबल ब्लॉक बोल देते हैं, और फर्स्ट ब्लॉक को हम लोकल ब्लॉक बोलते हैं, उसके अंदर आने वाले ब्लॉक को हम नेस्टेड ब्लॉक, या उसको भी लोकल ब्लॉक बोलते हैं। नेस्टेड जस्ट मीनिंग है एक ब्लॉक के अंदर आने वाले ब्लॉक को नेस्टेड ब्लॉक बोला जाता है। नेस्टेड हो सकता है, जितने मर्जी ब्लॉक बनाए जा सकते हैं, ऐसे बन सकता है, उसके अंदर भी ब्लॉक बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितने ब्लॉक अंदर अंदर जाए जाएंगे उतनी कम्प्लेक्सिटी फिर बढ़ती जाती है, ऐसे ना कि फिर अंडरस्टैंडिंग बनाना मुश्किल होता है, इसलिए 2-3 नेस्टेड मैक्सिमम जा सकते हैं, इसमें 15-20 नेस्टेड। बहुत कम्प्लेक्स लेवल का सॉफ्टवेयर हो तो उसमें बहुत सारे कम्प्लेक्स ब्लॉक बनाने पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मल तो 2-3 से आगे हम नहीं जाते, क्योंकि फिर कम्प्लेक्सिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिनेरियो अगर बन जाए तो फिर करना भी पड़ता है। ये बात समझ आ गई आपको कि कैसे यूजर नेम सेट हो रहा है, कैसे बाकी चीजें सेट हो रही हैं। इफ का मतलब आपने समझना है, उसके अंदर ट्रू आएगा तो चलना है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं चलना। अच्छा अब मैं इसको कहता हूं, इसको भी थोड़ा सा हम कमेंट कर लेते हैं ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। मैं कहता हूं कि एक कंसोल लगाओ, उस पर हमें इफ का कंट्रोल भी लगाना है, तो इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, और उसमें लिखो नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। अच्छा मैं चाहता हूँ ये ब्लॉक तब चले अगर नंबर वन इवन नंबर है, अगर है तो मतलब इफ आ गया, मतलब आज की टाइम में इस कंसोल को नहीं चलाना चाहता, उस केस में चलाना चाहता हूँ अगर इवन है। तो इवन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी भी नंबर का मॉडुलस 2 से लेके आंसर 0 आता है, अगर ये वाली एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, इन 2 चूंकि 10 पूरा पूरा 2 पे डिवाइड होता है तो 0 आएगा, तो 0 इक्वल टू 0 आंसर क्या होगा, ट्रू। 0 डबल इक्वल टू 0 आंसर क्या होगा, और अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो फिर नंबर इज इवन आ जाएगा, और अगर इवन नहीं होगा तो नंबर इज इवन आ गया।
और अगर ये 11 कर देंगे हम फिर कुछ भी नहीं आएगा। होना तो चाहिए। अच्छा इसकी समझ ये, अच्छा एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, जो हम इस पैरेंथेसिस के अंदर लगा रहे हैं ना ये कोड न्यू नहीं है, ये वो ये जो हमने ऑपरेटर्स के साथ, इसमें सारे ऑपरेटर्स ही है ना, और ये हमने सारे पढ़े भी हैं इनका मतलब क्या है। और ऑपरेटर आपको पता है हमेशा सॉल्व होते हैं, सॉल्व होके उसका एक आंसर बनता है, तो ये उस बाकी ऑपरेटर्स की तरह ही है। इधर आप डायरेक्टली वेरिएबल में ऑपरेटर का आंसर प्रोड्यूस करके ले लो, वेरिएबल प्रिंट कर दो या सीधा एक्सप्रेशन लिख दो आपकी मर्जी, जैसे हमने पहले किया था कि आप यहाँ पे वी आर रिजल्ट कर दें, उसमें ये एक्सप्रेशन लिख दें और उसको यहाँ पे डाल दें फिर भी चल जाएगा, या आप एक्सप्रेशन ही सीधी यहाँ पे पुट कर दें, दोनों ऑप्शन ठीक है। इफ कहता है कि अगर उसको सॉल्व हुआ और ट्रू फॉल्स मिल जाएगा फिर भी ठीक है, अगर एक्सप्रेशन मिल रही है पहले वो उसको सॉल्व कर लेगा, आंसर ट्रू आएगा तो शो कर दे, आंसर ट्रू आएगा तो वो रन कर देगा ब्लॉक को, अगर नहीं आएगा तो नहीं करेगा। सही। अच्छा अब मैं कहता हूं कि अगर नंबर, जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया कि इवन है फिर तो आ रहा है और जब आउट है तो फिर कुछ भी नहीं आ रहा, अब इसकी हम कैसे कंडीशन बना सकते हैं? हम कहेंगे इफ नंबर इफ नंबर वन को डबल इक्वल टू करें, आंसर आए अगर नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है? नॉट लग गया ना, नंबर इज ऑड। नंबर इज ऑड आ रहा है और अगर इसको हम इवन कर दें तो इवन आएगा। अच्छा अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि टेक्निकली ये जो हमने काम किया है ये ठीक किया है या गलत किया है, कैसे? प्रॉब्लम क्या है कि एक चीज का नॉलेज मुझे ऑलरेडी अगर हो गया है तो उसका उल्ट मुझे कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, इससे प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम होती है प्रोसेसर की। मतलब समझो कि एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की उसको उसकी प्रोसेसिंग पावर की कॉस्ट है, एक टाइम लगता है। सपोज हम कहते हैं कि इसको सॉल्व होने में 1 सेकेंड लगा है, तो इसको भी सॉल्व करने में कितने सेकेंड लगेंगे, तो टोटल कितने सेकेंड लगे? 2 सेकेंड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो बात हमें पहले ही पता लग जाती है इस पे, अगर नंबर इवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ओड है। क्या इस चीज को चेक करने की जरूरत है? नहीं। अल्टरनेटिव केस को नोट लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है, वो 110% इवन ओड ही है। अगर इवन नहीं है तीसरा तो केस ही नहीं है, या तो इवन होगा या ओड, अगर इवन नहीं है तो मतलब क्या है? वो ऑड है। उस केस को क्या मुझे चेक करने की जरूरत है कि वो वाकई में ऑड है या नहीं? नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऑड है। फिर क्या होता है? इवन नॉट ऑड नहीं, या इवन होता है या ऑड होता है। इवन है, जीरो हो गया ना, नंबर जीरो जीरो ही होता है वैसे। जीरो एक सेपरेट केस है, जीरो जीरो ही होता है, ना वो इवन होता है ना ऑड होता है, नंबर इज जीरो। वैसे वो इवन में आता है ना, टू का अगर जीरो, जीरो का जीरो चेक करें तो जीरो ही होता है, वो जीरो ही आएगा।
वो भी आएगा तो उसका कोई ना कोई आंसर पड़ेगा, बनेगा ना, या वो इवन बनेगा या ऑड बनेगा। स्किप कर देंगे। अच्छा अब एक्चुअली टेक्निकल बात समझने वाली ये है कि ये जो मैंने कंडीशन लगाई है ना ये गलत है। अभी देखो केसेस बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए दो केसेस हमें टैकल करने हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट चेक नंबर वन इज इवन और ऑड, नथिंग एल्स। हम तीसरी बात ही नहीं कर रहे, हमने रिक्वायरमेंट पे रहना है ना, जो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अंदर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, नंबर या इवन होगा या ऑड होगा, लाइट ऑन है या ऑफ है, ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इसके तो टेक्निकली तो और केसेस भी हो सकते होंगे लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ इन दो चीजों को चेक करो। तो अभी मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि चेक करो नंबर इवन है या ओड है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा अब अगर मेरी सिर्फ यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि दो केसेस ही देखने हैं कि एक नंबर इवन है या वो नंबर ओड है, उस केस के अंदर अगर उसका कोई तीसरा केस मैं कह रहा हूं ना हो, तो उस केस के अंदर अगर आपको पता लग गया कि नंबर इवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 100% नंबर क्या है, ऑड है। क्योंकि अगर वो इवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ऑड है। तो उस केस के अंदर ये सारी स्टेटमेंट दोबारा चेक करने के बजाय हमारे पास कीवर्ड है दैट इज कॉल्ड एल्स। इसका मतलब क्या है, अगर इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा, यानी कि इफ के ब्लॉक में अगर ट्रू प्रोड्यूस नहीं होता, वो एल्स का ब्लॉक चला देगा, वो कोई चीज को कैलकुलेट नहीं करेगा, वो कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेगा, वो बस उसको चला देगा। तो यानी कि या इफ का ब्लॉक चलेगा या ऐसा नहीं होगा कि दोनों ना चले, ये कभी भी केस नहीं आ सकता, दोनों में से एक का चलना मस्ट है। अगर पहला चल गया इफ चल गया तो फिर एल्स, अगर इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा, दोनों केसेस में से एक केस लाजमी चलेगा। कर देगा लेकिन वो तो ऑल द टाइम कर देगा ना, उसको वो कनेक्शन नहीं है उसके साथ उसका। फिर अगर इवन भी होगा तो वो फिर भी कहेगा ऑड है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एल्स के बाहर हम इसको लगा दें तो ये तो फिर भी चलेगा, लेकिन इशू ये है कि ये इवन पे भी चलेगा। देखो ना इस पे तो कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो वो कहेगा नंबर इज इवन है, फिर कह देगा नंबर इज ओड। क्यों, क्योंकि उसने ये वाला चलाया क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी। अब उसकी इस वाले ब्लॉक पे तो कोई, इस पे तो कोई ब्लॉक ही नहीं बना हुआ, इस पे तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। जब इस पे कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये बाय डिफॉल्ट ही चल रहा था, अब ये नहीं चलेगा, अब इवन वाला चला है, और अगर हम इसको ऑड कर दें तो फिर एल्स वाला चल जाएगा। अब दोनों में से एक, तो इफ और एल्स में से क्या दोनों एट द सेम टाइम चल सकते हैं, एल्स कब चलेगा, इफ कब नहीं चलता, इफ को फॉल्स मिलता है तो इफ तो एल्स फिर चल जाता है, यानी कि इफ के अल्टरनेट में एल्स चलेगा, अगर जब इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा, और अगर इफ चल जाता है तो एल्स नहीं चलेगा। दैट इज कॉल्ड इफ एल्स कंडीशन। तो हम हमारे पास एक ऐसा कंट्रोल आ गया है जिसकी मदद से हम कोड को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि तुमने कब चलना है और कब नहीं चलना। पहले हमारे पास ऐसा कंट्रोल नहीं था, सही। बहुत सारे सिनेरियोस के अंदर अगर हम कहते हैं कि यूजर लॉगिन कर रहा है, अगर उसका ईमेल और पासवर्ड इक्वल है तो फिर आगे वाला काम करो, अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर अगला काम नहीं करो, चेक करना पड़ेगा ना। तो हम कहेंगे कि इफ अगर यूजर ने जो ईमेल और पासवर्ड दिया है वो मैच कर रहा है तो फिर ये काम करो, अगर वो नहीं कर रहा तो यूजर को एरर दिखा दो, वो दूसरा काम है। और बहुत सारे केसेस हो सकते हैं।
बिल कैलकुलेट करो, अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लाई है तो उसको 2% ऑफ करना है, तो अब चेक करना पड़ेगा ना कि वो वाकई में है। अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो 2% की कंसेशन देनी है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं देनी। और बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि ये काम हो तो ये करना है, ये काम हो तो ये करना है, ये काम हो तो ये करना है, इस तरह की सिनेरियोस। तो प्रोग्रामिंग अल्टीमेट सारी इफ पे चल रही होती है, और इफ किस पे चल रहा होता है, ऑपरेटर्स पे। ये ऑपरेटर्स ही है ना जो उसको ट्रू फॉल्स प्रोड्यूस करके देते हैं। तो सारी प्रोग्रामिंग, सारी लॉजिक इसी चार ऑपरेटर्स प्लस इफ के लॉजिक पे चल रही होती है, क्योंकि ज्यादातर चीजें ये होती है ना, ये काम हो तो ये कर दो, ये काम हो तो। जैसे अगर हम कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं, अगर उसके स्टॉक में नहीं है तो उसके सिस्टम कहता है कि स्टॉक में चीज नहीं है, अगर होती है तो वो आपको बिल दे देता है। तो उधर इफ लगा है, अगर स्टॉक इज अवेलेबल वो आपको दे देगा और स्टॉक में से एक माइनस कर देगा। जब आप कुछ परचेज करते हो तो वो स्टॉक में है अगर चीज तो वो आपको दे देगा और एक स्टॉक में से माइनस कर देगा, क्वांटिटी कितनी पड़ी है उसमें से एक माइनस कर देगा और एक ऐड मतलब आपको दे देगा चीज। और अगर जीरो से नीचे आ जाता है स्टॉक तो फिर एरर करेगा, फिर वो चीज आपको इनवाइस आपको सेंड नहीं करेगा, प्रिंट नहीं निकलेगा। इस तरह और बहुत सारे केसेस हो सकते, कोई भी सॉफ्टवेयर सोचो, व्हाट्सएप सोचो, अगर इंटरनेट है तो व्हाट्सएप का मैसेज जाएगा उधर टिक नजर आएगा, अगर नहीं है तो वहां पे गोल दायरा नजर आएगा। तो इफ होगी ना, अगर इंटरनेट है तो फिर ये हो। और कुछ सोचो, इस तरह कॉल है, वीडियो मैसेज है, वो भी अगर इंटरनेट है तो चलेगी, अगर नहीं इंटरनेट है तो रिंगिंग आएगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, कॉलिंग आएगा बस। हाँ, अब ये भी, अब उसने क्या किया है इधर, फिर कौन सी कंडीशन लगी, एंड वाली डबल टिक कब शो होगा, अगर यूजर ए और यूजर सेंडर और रिसीवर दोनों का इंटरनेट है तो डबल टिक आए, तो इसका मतलब दो कंडीशनें लग गई, एंड लग गया बीच में, ऐसे ही अदरवाइज सिंगल आएगा। और कोई मतलब सोचो कुछ, कभी आपने किया उस पे भी कोई कंडीशन है, उसमें ये को सेटिंग में ऑफ कर देते हैं जाके कि उसका लास्ट सीन नजर ना आए, तो वो उस पे भी चेक करता है, अगर यूजर ने सेटिंग सेट की है तो फिर नहीं दिखाना, पहले सेटिंग चेक करेगा, उसके अंदर फिर जाके फिर वो बाकी की जो चीजें हैं वो चेक करेगा फिर दिखाएगा। यानी कि सारी कंडीशंस के अंदर, कंडीशंस के अंदर कंडीशंस है, ये भी सिनेरियो होगा। जब मैं कुछ लिखता हूं तो इसका मतलब है उसने लिखा है, अगर यूजर ने कुछ लिखा हुआ है तो फिर आइकन दिखाना है, अगर नहीं लिखा हुआ तो नहीं दिखाना। मतलब देखो कितना इजी है, मतलब पूरी पूरी प्रोडक्शन की ऐप हमारे जहनों में चल रही है कि इसके पीछे ये लॉजिक उसने लगाई है। वो भी ऐसे ही हो सकता है। हाँ वो भी आता है, अगर उसने मैसेज डिलीट कर दिया तो लिखा है दिस मैसेज इज डिलीटेड, तो वो भी अगर लगा हुआ है, अगर यूजर ने मैसेज डिलीट कर दिया हुआ है तो ये वाला दिखाए टेक्स्ट। तो बहुत सारे यूज, मतलब सारी प्रोग्रामिंग की सारी, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो है ही इफ। इफ के अलावा तो हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है ही नहीं कोई चीज जो हम काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनते ही इफ के ऊपर है कि अगर ये हो, अगर ये हो, ये कर दो, अगर वो हो, ये कर दो, इस तरह से।
भी जब वो पढ़ेंगे तो हमें बताएंगे। इफ एल्स की समझ आ गई ना आपको अच्छे से। अब इफ एल्स नेस्टेड में भी बनते हैं। कीबोर्ड में भी इस तरह यूज होगा सर, ये का बटन दबाएंगे तो मतलब कमांड आएगी आप भाई सर सर आप एंटर दबा दें तो फिर ही। हां फिर भी एंटर दबाएंगे तो भी वो चेक कर लेता है, इफ अगर एंटर प्रेस हुआ है तो वो मैसेज सेंड हो जाएगा, नहीं हुआ तो ना हो। अच्छा अब इसकी समझ आ गई ना इफ एल्स की। अच्छा एक इफ के अंदर हम और भी चीजें लगा सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूं कि इफ अगर नंबर इवन है और ऐसा प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड अ नंबर इज इवन, इफ नंबर इज इवन देन हम क्या करेंगे, अगर नंबर इवन है तो इसका मतलब है कि ये वाले इफ के अंदर मुझे एक और इफ लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो फिर चेक कर लो नंबर वन को कि वो नंबर वन जो है वो ग्रेटर देन है 20 से या नहीं, अगर है तो कंसोल शो करवा। नहीं तो कह दो सही है। अब क्या होगा, अगर नंबर इवन होगा तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा, उस ब्लॉक में लाइन नंबर 5 पे क्या लिखा है कंसोल जो कि प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इवन, फिर वो दोबारा क्या चेक कर रहा है, अगर ये नंबर अब ये कंडीशन 2 होगी अगर तो फिर ये वाला कंसोल चलेगा, अदरवाइज अदरवाइज क्या चलेगा ये वाला चलेगा। तो ये वाली कंडीशन अगर नंबर इवन ही नहीं है तो क्या ये वाली कंडीशन चेक होगी, नहीं, क्योंकि वो ब्लॉक ही नहीं चलेगा तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं। ये वाला नंबर वन इज ग्रेटर देन 20 ये कंसोल कब चलेगा, नंबर वन ग्रेटर देन 20 होगा तो ये वाली कंडीशन चलेगी, अदरवाइज दो कंडीशनें बेस कर रही है एक्चुअली, एक नंबर वन, एक तो नंबर इवन होना जरूरी है अदरवाइज तो ये चलेगी नहीं, और अगर नंबर इवन है और 20 से बड़ा है फिर ये वाला चलेगा अदरवाइज एल्स वाला चलेगा। देखो ना अगर नंबर इवन नहीं है तो फिर सिर्फ चलाएगा नंबर इज ऑड, और अगर नंबर इवन है लेट्स सपोज 110 कर देते हैं तो फिर क्या चलाएगा, ये पहले वाली इफ में इवन वाली इफ में ये देखो ना ये वाला ब्लॉक कब चलना था, ये वाला ये ब्लॉक तब चलना है अगर ये वाला ट्रू है, ये चलेगा फिर इसमें कंसोल आएगा फिर उसमें एक और ब्लॉक आ गया, तो एक इफ के अंदर इफ दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। हाँ फिर उसके देखो ना ये ब्लॉक चल, जब इफ नहीं चली तो उसका क्या चलेगा, उसका एस ये है बस ये चल जाएगा खत्म बात। अब जब इफ चलेगी तो फिर इसके अंदर वाले कोड में कोई अगर और इफ लगी है तो वो चलेगी ना, तो एक एक ब्लॉक में एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई की जा सकती है, इसके अंदर भी इफ लगा सकते हैं वो भी नेस्टेड इफ होगी। फिर उसके मैं यही कह रहा हूँ अगर इतनी नेस्टेड बना देंगे फिर मुश्किल होता है समझना, जैसे अभी मुश्किल हो रहा है ना थोड़ा समझना, एक इफ के अंदर के इफ के अंदर इफ लगा देना मुश्किल होता है। एक एल्स के अंदर भी मजीद इफ एल्स लगाए जा सकते हैं, अगर नंबर इवन है उस केस पे आप कोई और अगर चेक करना चाहते हो कि नंबर 100 से बड़ा है तो ये काम कर दो तो वो भी हो सकता है। देखो मकसद है ये वाला ब्लॉक चलना,
जब ये ब्लॉक चल रहा है तो उसके अंदर पड़ा हुआ कोड तो ऑटोमेटिकली चलेगा ना, और उसमें इफ पड़ी है या शादी लाइंस ऑफ कंसोल पड़े हैं, कोई मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ भी कोड पड़ा है उसमें चलना है। इफ अगर ट्रू है तो उसने चलना है, उसमें जो भी पड़ा हुआ मैटर नहीं करता। क्या इस इफ के साथ क्या लगा दें? फिर भी चल जाएगा, फिर क्या होगा? इसका अल्टरनेटिव कोड क्या लिख सकते हैं हम? इफ अगर नंबर है एंड नंबर इज ग्रेटर देन 20, अब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो कंडीशन चलेगी। लेकिन इसमें मसला है, अगर नंबर इवन है और 20 से बड़ा नहीं है तो कंसोल इवन का भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। एल्स तो आएगा लेकिन उसमें ओड वाला तो चलेगा ही नहीं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि नंबर 20 से नीचे है फिर भी नंबर इज इवन वाला कंसोल शो, तो वो कैसे होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि एक कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। तो जब फॉल्स हो रही है तो इसका कोई भी ब्लॉक चीजें, हाँ तो फिर क्या होगा? अगर 20 से नीचे है तो फिर भी वो चल जाएगा, एक ही कंडीशन चलेगी, लेकिन उस वक्त नंबर 20 से ग्रेटर नहीं है और हम इसमें लिख देंगे कि ग्रेटर है तो इश्यू है ना। जैसे अब हम लिखते हैं, कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग नंबर इज लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है ना, अगर हम और लगा देंगे तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? फिर मतलब और लगा दिया और नंबर 20 से नीचे है तो ये चल जाएगी ना कंडीशन, तो क्या नंबर ये फिर ये वाली कंडीशन क्या है? ये तो गलत होगी ना इस बात, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, और नहीं लगा सकते, एंड लगा सकते। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मसला ये है कि अगर 20 से नीचे नंबर है तो ये इवन नंबर भी शो नहीं करेगा। तो जो हमने पहले कोड लिखा था वो इवन और ग्रेटर दोनों का कोड क्या था? सेपरेट प्लेसेस के ऊपर था। अच्छा, अब आज हमने कवर क्या कर लिया? आज हमने कवर क्या कर लिया? फिर इफ कंडीशन, इफ का ब्लॉक कब चलता है? अच्छा, उसमें दो केसेस हैं, या तो ट्रू फॉल्स बना के एक्सप्रेशन में दे दें या फिर एक्सप्रेशन ही दे दें, सही है। और दूसरा केस क्या है? अगर इफ ट्रू नहीं होता तो एल्स ऑटोमेटिकली, और एक इफ के अंदर इफ लगा सकते हैं, क्या कहते हैं उसको? नेस्टेड इफ। उसमें क्या होगा? अगर इफ पहली चलेगी तो फिर अंदर वाली इफ चल जाएगी, उसके अंदर भी इफ लगा सकते हैं। तो इस तरह चीजें आगे से आगे चलती जाएंगी, सही है। तो आज हमने अपना इफ का टॉपिक और इफ एल्स का टॉपिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इफ एल्स इफ, यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि दो केसेस ही होंगे, ट्रू या अगर एक से ज्यादा केसेस हो जाए, फिर यानी कि दो केसेस से ज्यादा केसेस हों फिर उसकी कंडीशन और है। उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक इफ एल्स इफ और एक स्विच स्टेटमेंट, अगर हमारे पास दो से ज्यादा केसेस वाली कंडीशन है तो वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर लूप शुप देखेंगे।